दोस्तों हम लोग स्विमिंग पूल में अपनी दो फैमिली आई हुई है और हम लोग बढ़िया सा नहा के फ्रेश हो चुके हैं। बहुत मजा आया सबको। रात का फिर से प्लान है, अभी रात में नहाएंगे। देखते हैं जूम अगर मिल पाएगा वहाँ का, प्रूफ हो पाएगा तो आपको मैं शेयर करूंगा अपने ब्लॉग में। अभी हम लोग जो एंट्री किया था जो मेन पॉइंट था रिवर साइड, हमने एसी डिलक्स रूम लिया हुआ है जो कि यहाँ का सबसे प्रीमियम है। और यहाँ का व्यू और यहाँ पे जो हम राइट साइड में जा करके रिवर का जो नेचुरल एडवेंचर कर सकते हैं इवनिंग टाइम को, तो वो करने जा रहे हैं। सब लोग सावर ले रहे हैं, सावर लेने के बाद मुझे फिटिंग शुरू हो जाने वाले हैं। मैंने सबसे पहले सावर ले लिया क्योंकि मुझे शूट करना था। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जो दिख रहा होगा आपको बीच में पहाड़ इधर की साइड में, ये वाला जो दिख रहा है इस पे जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा नदी के पास में भी है, जाने का बहुत ही पसंद भी है। और जहाँ से जाएंगे वहाँ बैठेंगे, क्योंकि चिप्स भी लेके जा रहे हैं बच्चे, हम खाएंगे और देखते हैं कितने बजे तक अलाउ करते हैं। 8:30 बजे तक बोला है कि अलाउ करते हैं, 8:30 बजे तक वहाँ रुकेंगे और पूरा नेचर का आपको व्यू और जो वहाँ का फील होगा वो मैं बताऊँ। दूसरा इसी बीच में दोस्तों आपको बताऊँ, आपका छोटा भाई ये मेहनत कर रहा है और एक लाइक तो बनता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं वहाँ पे उस किले पे जल्दी के लिए। आर्यन अपने पीछे है और रिया इधर है। चलो बच्चों लोग, कैसा मजा आया स्विमिंग पूल में? अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? नदी, रिवर साइड। रिवर साइड, रिवर साइड में क्या करेंगे हम लोग? बैठेंगे टीवी पे, बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन वो ऑन करने देगा वो जिसका वो है ना। अपने को क्या चाहिए, चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं उधर का, नहीं तो उधर बंद हो जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद डिनर। हम लोग यहाँ पे जो ये टीला है जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, नहीं जा सकते क्योंकि बहुत तेज पानी के बहाव है। और हम लोग वहाँ जाएंगे जो अंकल आंटी थे आपको, चांद ऊपर आ गया है और चलते हैं वहाँ पे, वहाँ बैठते हैं। बाहर गर्मी है यार थोड़ा सा। अरे वाह, बच्चे लोग सबसे आगे भाग रहे हैं, मजा तो इनको करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, नंबर एक का यहाँ एडवेंचरस फीलिंग है। अगर आप ओरछा आते हैं और बुंदेलखंड रिवर साइड में रूम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि रिवर साइड आने का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है जो कि मेरी बात हुई यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा लेना है, रात में बैठना है और जैसे नदी की कलकलाहट की आवाज और फील करना है आपको नेचर को, मॉर्निंग या अर्ली अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं आप, या लेट नाइट आप बैठे हैं 1-2 बजे भी बैठे हैं तो सन्नाटा होता है। आपको जो नेचुरल नेचुरल चीज़ें दिखेंगी ना वो अलग रहेगा और सुनने में देखने में फील होगा, उसको मैं तो आपको बता नहीं सकता, आप खुद आके फील कर सकते हो। तो रिवर साइड लेने का बस ये थोड़ा फ़ायदा है। कॉस्टिंग अगर देखें तो थोड़ा सा पड़ता है, ज़्यादा है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे स्टे करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे ना तो कॉस्टिंग आपको लगेगा कि उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी आप अपना बजट देख लीजिए। हम लोगों ने जो बुकिंग करी है वो 1 नाइट का बुकिंग किया है, 2 रूम का, कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है वो अराउंड 13,000 में हुआ है, अभी एग्जैक्ट बिल नहीं है। हाँ, पानी महंगा है यहाँ पे, बॉटल जो बिस्लैरी की है जो हमें 20 रुपये की बार मिलती है 65 की, तो नॉर्मली वो तो अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा रहता है होटल में, अच्छे होटल्स में जाएंगे। हाँ, अभी तक जो मुझे फील हुआ है यहाँ का जो स्टाफ है सर्विस को लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, बहुत ही अच्छी सर्विस है। अब स्तुति वर्मा ने अपना पोज देना शुरू कर दिया है, उनकी मम्मी फोटो खींच रही हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, फिशिंग उधर हो रही है, वो लोग फिशिंग देख रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल एकदम नदी पे। ये बड़ा सा रॉक है, 2 बड़े से रॉक इधर हैं, ये नदी के किनारे आ चुके हैं। अगर आपको सुनाई देगी वॉइस नदी की तो बहुत अच्छी वॉइस आएगी जो होती है नदी में, अगर किसी ने सुना होगा तो उसको अच्छा लगेगा। ये आ गए और ये भी बहुत ही मजा आ गया। बिल्कुल तो सही बताऊँ आपको, तो वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक चीज़ है इसको देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि रात में यहीं पे रुक के सो जाए, कितना अच्छा है।
बिल्कुल बैठ सकते हो। ये स्तुति वर्मा उस रॉक पे बैठ रही हैं जो नदी के बीच में थोड़ा सा, और उनकी मम्मी भी पीछे से जा रहे हैं। नो 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 नो, क्यों? क्योंकि पत्थर थोड़ा ऊंचे हैं ना, स्लिप कर सकते हैं ये लोग, इसलिए थोड़ा सा बैठा। अभी पूरा देख सकते हैं, पूरा ओरछा का पूरा। और वहाँ पे दो रूम जो दिख रहे हैं होंगे आपको, जिसमें लाइट जल रही है, वो अपने हैं। और ये पूरा पीछे से है होस्टल का, लेकिन ये बहुत ही एडवेंचरस फीलिंग हो रही है। और एकदम ऐसा कि ऐसा लग रहा है काश एकदम मन तो वहाँ करता, वो जो बीच में पत्थर है ना वहाँ जा, पानी तो बहुत कुछ है। और यहाँ पे मैं बताऊँ यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होती है, लेकिन पानी कम है। तो 3 किलोमीटर के लास्ट में लगाए थे, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी एंटी टूरिज्म से, क्योंकि हम लोग जो वहाँ पे गए थे, पानी कम है ऑलमोस्ट उसी टाइम पर हम लोग आए थे। तो राफ्टिंग अभी जैसे कि ये छूट गया है, ये जो बीच में नदी है उस पर जाना था, प्लान उस पर था, नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम आएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है? मिलते हैं आपको। अभी यहाँ का शुरू करते हैं एडवेंचर क्या है, उसके बाद में आपको बताएंगे। और अभी हम लोग रात में निकले हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए ओरछा को, देखते हैं। ये सेठ जी की जिद थी, हालांकि रात में पता नहीं क्या देखेंगे, पता नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसी तरीके का ये एक्टिविटी करते हैं, लेकिन इनकी बात तो हम काट नहीं सकते। चलिए अभी बच्चों को थोड़ा सा मार्केट दिखाएंगे ओरछा में, और नाइट व्यू क्या है ओरछा का उस पर एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग रिजॉर्ट से निकल चुके हैं, जैसे कि हम लोग आते समय देख रहे थे ना, वो नाइटिंगेल टाइप का, या कह लीजिए कौन सा स्तुति क्या बोल रहे थे, वो कौन सी मूवी के स्टाइल में था, वो नार्निया, नार्निया के स्टाइल में साइड में लाइट लगी हुई है। हम लोग रिजॉर्ट में नाइट व्यू में निकल रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग निकले थे। और हाँ, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद ना एकदम सबको थकान लग रही थी, और नदी का व्यू नहीं दिखा पाया, आई एम सॉरी। मैं मॉर्निंग में प्रॉमिस करता हूँ दिखाऊंगा, और हो सकता है थोड़ा डिलेड हो। और अभी हम लोग निकल चुके हैं ओरछा के लिए, नाइट व्यू में देखते हैं क्या है, मॉर्निंग व्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि 5 बजे उठना है सबको। 5 बजे उठेंगे, सनराइज हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने अपना रूम लिया है उधर रिवर साइड में, उधर से बहुत अच्छा था रात का एक्सपीरियंस, क्या बताया, अल्टीमेट है, मजा आ गया। वहाँ पे अभी हम फिर जाने वाले हैं, और वहाँ पे एकदम ऑसम है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप खुद फील कर सकते हो अगर आते हो यहाँ पे। अभी निकल रहे हैं ओरछा के लिए, वहाँ पहुँच करके देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ डिलीशियस होगा तो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। अब हम लोग ओरछा की तरफ निकल रहे हैं रात में, अभी भी रश है, लग रहा है लोग बहुत घूम रहे हैं। ओरछा 1 किलोमीटर है यहाँ से, ओरछा की मार्केट अभी रिसेप्शन पे जैसे बताया कि जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उतना वो नहीं है कि जैसे फॉरवर्ड कल्चर हो, कि लोग बहुत लेट नाइट सोते हो। अभी भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कल्चर है, वो इमेजिन नहीं कर सकते, होना चाहिए, एक बढ़िया संस्कृति को फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, एक रिस्पेक्ट भी है, जाहिलपन तो बिल्कुल नहीं है सेठ जी, क्यों? वो देखा हमने, तो उसको देखते हैं अभी, जो अभी तक का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है।
और ओरछा पहुंच के बुंदेलखंड रिवर साइड अगर रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत कटसी है, और चूंकि ओल्ड कंस्ट्रक्शन है आपको कमियां मिल जाएंगी। होटल मतलब आई एम सॉरी किसी का नाम नहीं लेना, 5-star होटल में रुकते हैं, 7-star होटल में रुकेंगे आप, रुकने का तो बुर्ज खलीफा में देख लाइए तो। लेकिन अभी यहाँ पे जिस तरीके से ओल्ड कंस्ट्रक्शन है कंपैरिजन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एमिनिटीज दी है ना बहुत बेस्ट है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। अभी हम लोग रास्ते में निकले हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये कौन सा दरवाजा, कौन सा राजा साहब, जब कभी ये दरवाजा मिलता है ऐसा लगता है कि हम खुद कभी राजा रहे हैं का, है ना। अब पता नहीं कौन बताएगा हमको, कोई पुरोहित तो मिला नहीं, पंडित तो मिला नहीं, कोई हो तो हमको बताना जरा। ये आगे जो है आपको दिख रहा होगा राजा राम मंदिर है, इसीलिए लिखा लाइट दिख रही है, और राजा राम मतलब अपने राम जी का इतना यहाँ पे वो तो पूजनीय ही है, सर्वोपरि है, इतना मान्यता है यहाँ पे। स्पेशली ये मंदिर बना था, कहावत है जो मैंने सुनी है अभी तक, हो सकता गलत या सही हो, रानी साहिबा ने राजा राम जी को अपने हाथ में उठा रखा था और ये हुआ था राजा राम जहाँ स्थापित हो जाएंगे वहां से उठाना उनको मुश्किल होगा, तो मंदिर बनने में समय लग रहा था, भव्य मंदिर बन रहा था, राजा साहब बना रहे थे, और रानी साहिबा ने अपने किचन में पता नहीं क्यों कैसे क्या हुआ उन्होंने रख दिया था, तो राजा राम वहां स्थापित हो गए। और फिर ये मंदिर में कृष्ण जी का अपना जो राजा राम मंदिर है जिसका फेमस है वहां पे कृष्ण जी का स्थापना है, बहुत ही मान्यता है, बहुत पूजनीय स्थल है, एक बार जरूर आइए, एक भव्य मंदिर है, ऐसे मंदिर बहुत सारे हैं साउथ में देखने को मिलेंगे। जय। अभी हम लोग पहुंच गए हैं राजा राम मंदिर, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग सुबह एकदम जाएंगे, पहले देखेंगे। ये हम लोग इधर आ चुके हैं, राजा राम मंदिर हमारे राइट साइड में है, मार्केट है राजा राम मंदिर की। है कि हर एक किले के अंदर गेट पे एक बहुत सारी कील्स होती हैं, क्योंकि जब हिट हो ना तो कोई भी अगर करे तो ऐसे ही इसमें लगी हुई हैं, बहुत सारी टूटी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लाइट शो किसी को देखने में इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ से अगर देखें तो सीधे डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है सामने वो राजा राम मंदिर है, और मान्यता इसकी बहुत है। कल हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह बिना कुछ खाए पिए यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे और उनसे पूजा अर्चना करेंगे कि वो हम सब लोगों को सलामत रखें, हमारे परिवार को सलामत रखें। और अभी हम लोग आगे निकलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ओरछा से आगे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनसीन हैं, तो कंटिन्यू रहिए, अनसीन चीज़ों को सीन कराते हैं थोड़ी देर में। नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर से वापस हम लोग ओरछा अंदर आ रहे हैं,
रात में इस समय बज रहा है 12:51, सॉरी रात में इस समय बज रहा है 10:51। बहुत लेट हो गए हैं, होटल में हम लोगों ने जो डिनर था वो बोल दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उम्मीद है कि हमको रिसेप्शन से मिल जाएगा, नहीं तो भूखे सोना पड़ेगा। वैसे थोड़ा बहुत खा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना, लेकिन बहुत अच्छा ओरछा का एक्सप्लोर जो हम लोगों ने नाइट में किया है वो अल्टीमेट है, क्योंकि नॉर्मली नाइट मोड में तो बहुत कुछ पॉसिबल होता है लेकिन नाइट मोड में थोड़ा कम पॉसिबल होता है। तो लाइट को हमने प्रेफर नहीं किया है, नाइट को प्रेफर किया है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जंगल जैसा लग रहा है। ये सेम वीडियो आपको मिलेगा जब हम लोग एंट्री कर रहे थे दिन टाइम में, दिन के टाइम पे, और अभी रात में हम लोग जब एंट्री उसी रूट से कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ पातली होटल के बारे में वेटर का फोन आ गया, वो बोल रहा है खाने का आइटम लगता है। अब घर के अंदर चलते हैं, रात का थोड़ा सा व्यू लेते हैं होटल का। गाने भी अच्छे सुने हम लोगों ने, हालांकि आपको भी सुनाई दिए होंगे। ये नाइट मोड में होटल का व्यू है, बहुत ही प्यारा है। जैसे कि अगर इधर देखें तो रिवर हमारे लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा, टेरेस फॉर व्यू। अगर छत पे जाते हैं अलग व्यू मिलेगा, स्विमिंग पूल है। हम अभी क्या करेंगे ना, हम लोग जो छूटा है ना टेरेस फॉर व्यू के लिए हम पूछते हैं और चलते हैं। सर टेरेस व्यू के लिए हम किधर से जा सकते हैं? हाँ ठीक है, टेरेस व्यू हम लोग छूटा है, आइए रात में थोड़ा टेरेस व्यू लेते हैं। बोमू आ जा बच्चो, टेरेस व्यू के लिए देखा एक चीज छूट रही थी, ये स्टेयर्स हैं जो कि हमको टेरेस व्यू देंगी। हालांकि इसको टेरेस व्यू को रात में हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोर, मुझे लगता है कि इसको अर्ली मॉर्निंग करेंगे सनराइज के टाइम पे तो बेहतर होगा। टेरेस व्यू में क्या मिलेगा हमको, होता क्या ना कि चांदनी रात है और ऐसा सच इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग एक फ्लोर ऊपर आ चुके हैं, फिर एक फ्लोर और ऊपर जा रहे हैं। अरे वाह क्या व्यू है, बिल्कुल पैलेस का हम पूरा व्यू ले सकते हैं यहाँ से, पूरा ओल्ड सिट है। ये देखो पैलेस का जो हम बाहर से देख रहे थे व्यू, वैसा पूरा व्यू है। और पैलेस में जैसे होता है लाइट्स जल रही हैं, ये पूरा व्यू मैं क्लोजअप में देखता हूँ करके यहाँ से। ये पूरा जो हम लोग नीचे से गार्डन देख रहे थे, राइट हैंड पर देखेंगे इधर लाइट्स लगी हुई हैं, वो हमारे रूम को जाती हैं। और ये इधर व्यू है, फिर ये जहाँ पे ये टेबल लगी हुई आपको दिखेगी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, हम लोग मिस कर गए हैं क्योंकि यहाँ पे बुंदेलखंडी जो यहाँ का संगीत है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, और स्टार्ट हो रहा था तो हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने निकल गए, छूट गए, मिस हो गए। एनीवे उसको कैचअप करते हैं कभी। और इतना अच्छा व्यू है पूरा, आप देख सकते हैं ना पूरा, अगर हम रात में घूमेंगे ना तो इतना हमको लगता है पूरी रात बीत जाएगी, कितना बड़ा। नहीं उधर आगे, हाँ आगे चलते एक्सप्लोर करते। अभी जैसे उधर का देख रहे हैं ना, देखो उधर सामने का जो है ना वो हम देखते हैं, उधर बेतवा नदी दिखेगी रात में। इधर से हम लोग नीचे उतरेंगे, अंधेरा है, इसको मॉर्निंग में करेंगे, हाँ मजा आ जाएगा, मॉर्निंग और नाइट दोनों पता है। ये हम लोग आ चुके हैं ऐसे, जैसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना, हर यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है ना, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो ना आपको मजा आ जाएगा। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो, आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी पैलेस से, प्लेस से, तो हिस्टोरिकल के अलावा उसके अंदर की चीज़ें जैसे क्या होता है, मेहराब बने हुए हैं, रात में हम हैं, रात में ऊपर देखें चांद है, हम एक हिस्टोरिकल प्लेस में ऊपर घूम रहे हैं चारों तरफ,
और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इतना अच्छा है। आपको सही बताऊं तो रात में आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं बेतवा नदी देख पा रहा हूं और आवाज़ आ रही है एकदम कलकलाहट की। और जहां पे हम लोग चल रहे हैं इसके ठीक नीचे अपना रूम है रिवर साइड में, गजब का व्यू है। सामने जहां पे दिख रहा है वो अपना एंट्रेंस है और पूरा एकदम 360 डिग्री पे हम लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल सामने जो है वो बेतवा नदी है, बिल्कुल बेतवा नदी है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है आप मत पूछे, कितना इसका बखान नहीं कर सकते। चलिए अभी सुबह मिलते हैं सेम व्यू को लेकर के अलग मोड में, वो होगा लाइट मोड यानी कि डे मोड में लेके आएंगे। अभी नाइट मोड में आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम सॉरी। मिलते हैं सुबह।